नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हरे प्याज के पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अभी इसका सीजन भी है और इसका पकोड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम हरे प्याज को अच्छी तरह साफ करके धो लिए हैं पानी से और काट लिए हैं। देखिए इस तरह के, बहुत मोटे भी नहीं, बहुत बारीक भी नहीं, इस तरह का प्याज का लिए हैं। दोनों ग्रीन और व्हाइट दोनों पार्ट काटे हैं और बेसन लिए हैं 1 कप। 300 ग्राम है वेट में, जितना प्याज वेट में लेंगे उतना ही बेसन लेंगे। 2 चम्मच चावल का आटा, 1 मीडियम साइज का प्याज को काट लिए हैं बारीक। आप चाहें तो इनके बिना भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिए हैं, 1 इंच अदरक टुकड़ा को घिस लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सारे चीज़ों को एक बॉल में मिला लेते हैं। तो बेसन डाल लेते हैं इनमें और अदरक, हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, नमक 1 छोटी चम्मच अथवा स्वाद अनुसार लेंगे, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच और जीरा पाउडर 1/4 छोटी चम्मच। चावल का आटा डाल लेते हैं और प्याज जो काट कर रखे हैं वो भी डाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा काट कर रखे हैं। अब इन सारे चीज़ों को एक बार चम्मच से इस तरह से मिला लेते हैं। फिर इनमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और प्याज को भी डालकर इसी तरह से पहले मिला लेंगे सूखे में ही, फिर पानी डालकर हाथ से मिलाएंगे। तो अब प्याज को डालकर भी मिला लिए हैं, तो अब पानी डालकर इसे मिलाएंगे। देखिए पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, इस तरह से मसल मसल कर सॉफ्ट करेंगे। एक ही बार में पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा प्याज का बैटर जो है पतला हो जाएगा, तो पकौड़ा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो देखिए मैंने मिला लिए हैं, अब चलिए चलते हैं पकौड़ा बनाने की तरफ। गैस पर पैन रखकर तेल रखकर गैस ऑन कर लिए हैं, तेल को गर्म होने देते हैं, फिर इनमें डालेंगे पकौड़े। तो तेल अब गर्म हो चुका है, तो थोड़ा सा बैटर तेल में डालकर देखते हैं कि कितना गर्म है तेल। तो तेल बहुत गर्म है, गैस का फ्लेम लो कर लेते हैं अभी और इसमें डालते हैं इस तरह से, जितना बड़ा हमें पकौड़ा चाहिए उतना ही बैटर लेकर इसमें डालते जाएंगे। तो मैंने सारे डाल लिए हैं, अब गैस का फ्लेम मीडियम कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें तलेंगे। हाई फ्लेम पर करेंगे तो बहुत जल्दी जल जाएगा ये पकौड़ा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो इस तरह से तलेंगे तो क्रिस्पी पकौड़ा बनेगा। इन पकौड़ों को एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, फिर दूसरे तरफ लट लेंगे। तो अब ये पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं एक तरफ से, तो इस तरह से पलट लेते हैं सारे पकौड़े को और अलट पलट कर पकौड़े को चारों तरफ से सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए मैंने सारे पकौड़े को पलट लिए हैं, अब दूसरे तरफ से भी पकौड़े को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। तो लीजिए मैंने चारों तरफ इन पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिए हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में, चाहे तो टिश्यू पेपर रखकर निकालें अथवा ऐसे निकालें। और इसी तरह से सारे पकौड़े तलकर तैयार करेंगे हम। तो बाकी का बैटर से भी इसी तरह से तोड़कर और सेक लेंगे पकौड़े को गोल्डन ब्राउन होने तक। तो लीजिए सारे पकौड़े तलकर तैयार हैं, अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। और एक बैच पकौड़ा को मैंने सर्व भी कर दिए हैं, गर्मा गर्म किसी को दे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये पकौड़ा। तो अब देखिए ये सारे पकौड़े निकाल लिए हैं, अब चलिए सर्व करते हैं इन्हें। तो आप ये पकौड़े को आप चाहे तो कोई चटनी के साथ अथवा सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, एज ए स्टार्टर के रूप में कोई पार्टी हो तो, अथवा अपने घर में ही, या इस तरह से जो मुरमुरा होता है इसे लाई भी कहते हैं, मुरई भी कहते हैं, इस तरह से इसमें डालकर खाए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। चूरा के भी साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये पकौड़ा। तो आप चाहे जैसे भी सर्व करें, तो आप ये पकौड़ा बनाकर सर्व कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।